दोस्तों, मैं भूपेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज फिर से 11 महीने का रिजल्ट आप लोगों को दिखाने वाला हूँ हेयर ट्रांसप्लांट का। जिनके सर पे बाल नहीं था और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आज उनके 11 महीने कंप्लीट हो गए हैं, उनका रिजल्ट आप लोगों को शो करने वाला हूँ। इनसे आपको देखने के उनका गंजापन कैसा था और आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट कैसी उनकी कंडीशन रही, क्या उनकी जर्नी रही और रिजल्ट उनको कैसा मिला है, ये पूरा आप लोगों को देखना है और पूरी डिटेल समझनी है दोस्तों। क्योंकि मैं हर मंगलवार और शुक्रवार हफ्ते में दो वीडियोस लेके आता हूँ, जेन्युइन वीडियो, और आप लोगों के लिए ही वीडियो लेके आता हूँ। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे वीडियो की तरफ और पूरी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो हे दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि दोस्तों, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था 3 साल पहले और मैंने कोई भी कोरिया मेडिसिन नहीं ली है। आपको भी अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाना होगा, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए होगी या कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कैसे हेयर ट्रांसप्लांट होता है, कैसे हम जाएंगे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन पे चलते रहती है, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी ऐसे रिजल्ट मिले, ऐसी जानकारी मिल जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी इस जनवरी में क्लिनिक से बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, 10% फ्लैट डिस्काउंट। जो भी हेयर ट्रांसप्लांट इस जनवरी में करवाता है उनको 10% डिस्काउंट मिलता है। तो आप प्लीज़ क्लिनिक को कॉल करके अपनी जानकारियाँ ले लें। तो दोस्तों पेशेंट की तरफ, पेशेंट की बॉलनेस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो कि पेशेंट का बॉलनेस कुछ इस तरीके से था, आप देख सकते हैं कि कॉर्नर्स पूरे चले गए हैं और थोड़ी सी हेयरलाइंस पीछे गई हुई है दोस्तों। ये बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, लेकिन आपको छोटी छोटी सर्जरी मैं इसलिए दिखाता हूँ जिससे आप लोगों को पता चल सके आपका अगर थोड़ा भी बाल गया हो तो आपका लुक कितना बिगड़ जाता है। जब बाल रहता है तो कैसा लुक रहता है और जब बाल नहीं रहता तो कैसा लुक रहता है। तो इनका बॉलनेस कुछ इस तरीके से था, हेयरलाइंस हम देख सकते हैं कुछ ये है दोस्तों। हेयरलाइंस बहुत अच्छी तरीके से नेचुरल डिज़ाइन की गई है, जैसा इनका पुराना हेयरलाइंस था तो उसको देखते हुए इनका हेयरलाइंस डिज़ाइन किया गया। तो दोस्तों बढ़ते आगे सर्जरी की तरफ। सर्जरी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ दोस्तों FUE टेक्निक से और नीडल टेक्निक से। ग्राफ्ट निकालते समय यानी कि जड़ निकालते समय FUE टेक्निक का प्रयोग किया गया और ग्राफ्ट लगाते समय नीडल टेक्निक का प्रयोग किया गया। दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, नए हैं, पुराने हैं, जैसे भी हैं, लेकिन ये जो दोनों टेक्निक्स होती हैं, दोनों विधियाँ होती हैं, इससे काफ़ी सेफ अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट होता है। इस क्लिनिक में ये दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है और इसी टेक्निक से मेरा भी हेयर ट्रांसप्लांट किया गया था, जिसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। आप देख सकते हैं कि कितना नेचुरल, कितना अच्छा मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था 3 साल पहले, और कोई भी गोलियां, मेडिसिन, एक्स्ट्रा खर्चा मैंने नहीं किए आज तक। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है दोस्तों, बहुत बड़े फ़ायदेमंद वाली चीज़ है कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं उसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना होता है। ये भी चीज़ें यहाँ फ़ायदे मिलती है, तो ध्यान में रखिएगा। तो जो बात कर रहा था दोस्तों सर्जरी की, सर्जरी बहुत अच्छी तरीके से किया गया और डेंसिटी बहुत ही नेचुरल दी गई है, जो कि आपके स्क्रीन पे है। आप देख लीजिए कितना प्यारा डेंसिटी दिया गया है, एक एक ग्राफ्ट सही तरीके से लगाया गया है दोस्तों। यहाँ जो डॉक्टर की टीम है, डर्मेटोलॉजिस्ट की टीम है, बहुत ही बेहतरीन टीम है, क्योंकि इनका काम है दोस्तों अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करके देना, जिससे आप लोगों को आगे चल के बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। इस सर्जरी में बहुत अच्छी तरीके से दिखता है कि हम कितने ग्राफ्ट लगवाए हैं, कितने प्रॉपर लगवाए हैं, क्योंकि दोस्तों आगे पीछे को देख के मैनेज करके ग्राफ्ट लगाए जाते हैं, जिससे इन फ्यूचर कहीं से गंजापन नहीं नज़र आए। तो इनकी सर्जरी बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी तरीके से हुई है। और आपको मैं बता दूं, प्लांट के बाद हमें हेड वॉश करना होता है, उसके बाद हमारा सेडिंग फेज स्टार्ट होता है। सेडिंग फेज उसे कहते हैं दोस्तों कि आफ्टर ट्रांसप्लांट 15 से 2.5 महीने तक हमारे बाल झड़ते हैं जो ट्रांसप्लांट किए हुए होते हैं दोस्तों। वो पूरा झड़ता नहीं है, उसके अंदर जड़ रहता है, लेकिन लोग डरे हुए होते हैं कि हमारा पूरा बाल झड़ने लगा, हमारे ट्रांसप्लांट फेल हो गए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये ट्रांसप्लांट के बाद ये शेडिंग फेस कॉमन होता है और सबके साथ आता है, तो ये चीज़ें के लिए बिल्कुल मत डरिए, ये चीज़ कॉमन है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे वीडियो की तरफ। टाइम नहीं लूँगा, उससे पहले मैं क्लिनिक की डिटेल्स भी आपको दे दूँ।
अगर चाहते तो आप इस दिए हुए क्लिनिक नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। क्लिनिक दोस्तों आपको पुणे महाराष्ट्र में पड़ेगा। क्लिनिक में आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि क्लिनिक में रहना, खाना और गोलियां, ये सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। इसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जाता। सक्सेसफुल रिजल्ट हमको कैसा मिलता है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, उसके लिए तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि दोस्तों क्लिनिक कैसा है, वहाँ सर्जरी कैसी होती है और वहाँ के रिजल्ट कैसे हैं। अगर आप ये तीन चीज़ें पहले देख लेते हैं और आप लोगों को ये तीनों चीज़ें एक जगह मिलती हैं तो आपका 100% रिजल्ट आना श्योर है। तो दोस्तों यहाँ ये तीनों चीज़ें आपको मिलती है, आप ज़रूर बात कर लीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों इनके 11 महीने के रिजल्ट की तरफ। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है जो कि आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। ये रहा, अगर हम इनके रिजल्ट की बात करें तो आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इनका जो कि हेयरलाइंस डिज़ाइन किया गया था और इतना नेचुरल इनका हेयर ट्रांसप्लांट आपको दिख रहा है। हेयरलाइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि आपका फ्रंट का लुक कैसा दिखता है, वैसा ही जैसे आपका पुराना लुक था, जैसे आपका पुराना स्टाइल था। बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं कि 11 मंथ में यानी कि 11 महीने में कितना डिफरेंस है। पहले ये कैसे दिखते थे और अभी ये कैसे दिखते हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। अगर आपको भी पसंद आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितना अमेजिंग रिजल्ट आया है, कितना अच्छा रिजल्ट आया है। पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगा 11 महीने के हिसाब से। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं तो निश्चिंत हो जाइए आपका 11 से 12 महीने में रिजल्ट आएगा ही आएगा। इन पेशेंट को भी कोई एक्स्ट्रा खर्चा अभी तक नहीं लगा है, कोई PRP मेडिसिन नहीं ली है इन्होंने और बहुत नेचुरल है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कि आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। ये पेशेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया और इनका आज इतना अच्छा रिजल्ट है। मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे एक छोटे भाई हैं, जैसे आप लोग मेरे सपोर्टर हो वैसे ये भी एक सपोर्टर है। तो थैंक यू सो मच जितने भी मेरे व्यूअर हैं, जितने मुझे पसंद करते हैं, जितने मुझे लाइक करते हैं। तो दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब भी कर लो और लाइक भी कर लो, क्योंकि मैं हर हफ्ते मंगलवार और शुक्रवार दो वीडियो लेके आता हूँ। जनरली कोई भी दो वीडियो लेके नहीं आता, लेकिन मैं हफ्ते में दो वीडियो लेके आता हूँ। तो सोच सकते हैं कि यहाँ कितना हेयर ट्रांसप्लांट होता है, कैसा रिजल्ट मिलता है। तो आप लोगों के लिए ये अच्छा मौका है, जाइए विजिट कीजिए, कॉल कीजिए और अपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए, अपने रिजल्ट पाइए। चलता हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जनवरी में बहुत अच्छा ऑफर है, भूलिएगा नहीं। साथ ही साथ इनका पेशेंट रिव्यू भी था दोस्तों, वो डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूंगा, तो वो भी आप वॉच कर लीजिएगा, जो भी डाउट होगा तो क्लियर हो चलता हूँ जाए। दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई खुशखबरी के साथ। नमस्कार, ध्यान रखिएगा।